जैसे मैं अगर नगर निगम में आता हूँ तो यहाँ पे एक निगम शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। उस शिक्षण संस्थान में NDA, CDS और UPPS की जो कोचिंग है वो निशुल्क दी जाएगी। मेरे हाथ में जो आता है, नगर निगम के हाथ में, वो आता है हाउस टैक्स और वाटर टैक्स। हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को कम्प्लीटली मुफ्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। पानी के कनेक्शन नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं। अब सड़कें नहीं बनी हैं तो नालियाँ भी नहीं बनी हैं, तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको मैं दूर करूँगा। और वहाँ से कितना हमें अलॉट होता है, हम किस किस योजना में उसको खर्च कर रहे हैं, जो हमारे फिरोजाबाद का बजट रहेगा, इसका पूरा ब्यौरा दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप देख सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका KIA के इस विशेष कार्यक्रम किया इंटरव्यू में। किया इंटरव्यू एक्चुअली नाम थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, ये टर्म लिया है हमने किया इंटरव्यू से। यहाँ पर हम इंटरव्यू लेंगे उन शख्सियत का जो अपने आप में कुछ विशेष हैं, कुछ अलग हैं, समाज में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उसी के बीच में, चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो हमने हमारा ये जो चुनावी कैंपेन है उसको थोड़ा सा और रूप अलग देते हुए हमने स्टार्ट करा है। अगला मेयर कौन होगा, उन्हीं में से एक आम आदमी पार्टी के श्री रश्मिकांत राठौर जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। रश्मिकांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रश्मिकांत जी, सबसे पहले तो क्योंकि आप नए चेहरे हैं और आपने कभी पॉलिटिक्स में जनता ने आपको नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो अपने बारे में आप बताइए ताकि जनता आपसे रूबरू हो सके, आपसे आपका परिचय आप दें। मैं रश्मिकांत राठौर हूँ, मैं फिरोजाबाद के जैन नगर से हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 14 साल से कॉरपोरेट सेक्टर में है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मेरा रेनकोर इन्फोटेक के नाम से जो प्लेटफॉर्म है, IT कंपनी है, वो नोएडा में है, दिल्ली में है। मैं यहाँ पे चुनाव में मेयर के लिए चुनाव लड़ने आया हूँ। मैं एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चाहता हूँ समाज में। हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा युवा जो है वो हमारे देश में है। मैं चाहता हूँ उस युवा को डायरेक्शन दिया जाए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ, इसलिए मैं एक बदलाव लाने के लिए अपने आप को पॉलिटिकल करियर में लेके आया हूँ। जी, तो रश्मिकांत जी, आप चूंकि एक अलग फील्ड से हैं, आप IT फील्ड से हैं, पॉलिटिकल करियर में आपने अभी कुछ भी नहीं किया है जी, सोशल एक्सपीरियंस कोई है? सोशल एक्सपीरियंस में अगर हम बात करें तो हमारे कई सारे क्लाइंट्स रहे हैं जो जिनके लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की है, उनके लिए मैंने फंड रेज कैंपेन भी चलाए हैं, तो उनके साथ रहते रहते कई सालों का एक्सपीरियंस उनके काम को देख के हुआ है मुझे जी। कितना लंबा आपका ये IT का जो एक्सपीरियंस रहा? 14 ईयर्स एक्सपीरियंस। 14 ईयर्स जी। तो अभी देखा जाए तो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में तो जीरो हैं आप जी, तो क्या आपको लगता है कि आप अगर जीतते हैं तो आप पब्लिक की जो समस्याएं हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं पॉलिटिक्स के जी, क्या उनसे मीट कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल कर पाएंगे। हमारे आम आदमी पार्टी से जो मुख्यमंत्री हैं वो IAS हैं, उन्होंने रिजाइन देके उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए, और दुनिया की सबसे फास्ट ऐसी पार्टी है जिसने पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाते ही तुरंत CM पद को संभाल लिया। तो उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देश में मैं जो भी काम करूंगा उनके निर्देश में ही काम करूंगा, तो वो उनका एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। और हमारी पार्टी में अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन दे के आए हुए लोग हैं, तो उनका एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। आप अभी इस समय में जो वर्तमान में जो मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं जी, इस समय भी जो मेयर प्रत्याशी देखे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, सबसे ज्यादा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में सामने आ रहे हैं निकल कर जी, लगभग 150 के आसपास सुना जा रहा है कि प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करने के लिए तैयार है जी। तो क्या आपको लगता है कि वो 150 एक तरफ और आप अकेले एक तरफ कर पाएंगे? उसका रीजन ये है, मैंने जो हमारी पार्टी के साथ मिलके, अपने सहयोगियों के साथ मिलके मैंने एक स्वरोजगार का प्लान तैयार किया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जितने भी आपके प्रत्याशी आते हैं, चाहे वो MLA के लिए हो, MP के लिए हो या मेयर पद के लिए हो, वो जब भी आते हैं तो सामाजिक समस्याओं को लेके आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक
स्पेशल एक विशेष समस्या लेके नहीं आता है, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। उस बेरोजगारी को ही कम करने के लिए मैंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो प्लान किया है उस हिसाब से उन सबसे अगर मैं बात करूं तो मेरे मैनिफेस्टो का वजन ज्यादा है। अच्छा, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आप चूंकि आईटी फील्ड से हैं तो आप बदलाव ला सकते हैं फिरोजाबाद के अंदर, क्या कमियां दिखते हैं? सर, सबसे पहले तो हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार किया है जिसमें पूरा कंप्लेन का सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, उसमें स्टूडेंट्स को हम जैसे मैं अगर नगर निगम में आता हूं तो यहां पे एक निगम शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। उस शिक्षण संस्थान में एनडीए सीडीएस और यूपीपीएस की जो कोचिंग है वो निशुल्क दी जाएगी। अच्छा। उसके साथ साथ उसी शिक्षण संस्थान में जो हमारे कारीगर होते हैं जैसे प्लम्बर हो गया और कारपेंटर हो गया या बाइक मैकेनिक हो गया, कार मैकेनिक हो गया, इन सभी के लिए सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम देने का हमने प्लान किया है जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रोजगार के साथ साथ उन लोगों का हमें समर्थन भी मिलेगा। रोजगार के लिए ऐसी तमाम परियोजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। आपने कहा एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कि कंप्लेन के लिए आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लेकर आएंगे, ऑलरेडी नगर निगम में एक एप्लीकेशन है जो कंप्लेन करता है, तो क्या उसमें और आपके में क्या डिफरेंस रहेगा? सर, डिफरेंस ये रहेगा जो नगर निगम की अभी एनआईसी ने जो अभी एप्लीकेशन जो चालू की है वो पूरी तरीके से अभी चालू नहीं है, और दूसरा एनआईसी मैं अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह बात करूं तो एनआईसी से अच्छी क्वालिटी मैं डेवलप करता हूं, तो उस हिसाब से मैंने उस एप्लीकेशन को बनाया है, यूजर फ्रेंडली बनाया है, और उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें एनआईसी के बराबर फीचर्स, उसमें एनआईसी से ज्यादा फीचर्स मैंने दिए यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, जिससे कि कंप्लेन के सिस्टम में कहीं किसी को जाना नहीं पड़ेगा। अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है तो कंप्लेन करने पे वो जैसे सपोज मैं वार्ड नंबर 33 में बैठा हूं और मैंने वार्ड नंबर 33 में बैठ के कंप्लेन की, तो तुरंत यहां वार्ड नंबर 33 के जो सभासद हैं उनके पास कंप्लेन जाएगी, उसके साथ साथ नगर निगम में जो हमारी टीम बैठी होगी उसके पास भी कंप्लेन जाएगी। उसके साथ हम उसको ट्रैक करेंगे कि किस वार्ड में सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रही है, और जो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होगी वो रेड दिखेगी, और किस वार्ड में सबसे ज्यादा रेड कलर मुझे दिख रहा है उससे मैं ये देख पाऊंगा किस वार्ड के सभासद काम कर पा रहे हैं या उस वार्ड के प्रत्याशी या कर्मचारी काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और क्या? और इसके अलावा एक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मैंने जो प्लान बनाया है, हम एक वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट पे जितना भी बजट हम सरकार को देते हैं कि हमें इतने पैसे की जरूरत है और वहां से कितना हमें अलॉट होता है, हम किस किस योजना में उसको खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के आप देख सकते हैं। जो हमारा फिरोजाबाद का बजट रहेगा इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी जिससे कि जनता को पता चलेगा कि उनके जो टैक्स का मेहनत का पैसा है वो जा कहां रहा है। माने आप फिरोजाबाद में कुछ डिजिटल करने वाले? जी, स्मार्ट सिटी का मतलब ही है सर, जब तक डिजिटल नहीं होगा तब तक स्मार्ट कैसे होगा? अभी भी स्मार्ट सिटी है फिरोजाबाद और फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है और आईटीएमएस जो है वो फिरोजाबाद में इंस्टॉल्ड है। आप देखेंगे कि हर चौराहे पर कैमराज लगे हुए हैं और उसके अलावा एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और पैनिक बटन लगा हुआ है, तो ये सब भी कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी तो बनाते ही हैं और साथ साथ में डिजिटल वर्ल्ड की तरफ ले जा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो भी प्रयास कर रही है इस ओर जाने के लिए। फिलहाल आपकी बात करें तो अब आप इसके अलावा, ये तो टेक्नोलॉजी रही, टेक्नोलॉजी से हटके भी आमजन की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जी, तो उनसे कैसे आप मीट करेंगे? क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो टेक्निकल तो चलिए आप देख लेंगे, बाकी जो समस्याएं रहेंगी जैसे पानी की समस्या रही, लोगों के साथ बिजली की समस्या रही और समस्या रही, सर उस कंप्लेन सिस्टम में सारा सिस्टम मैंने दिया है, बंदा वहां से चूज करेगा कि उसे अगर पानी की समस्या है उसने पानी की समस्या का वहां से मुझे डिटेल भेजा, वो डिटेल जो मेरे पास आएगा उस पर तो मैं काम करूंगा ही, बाकी मैं समाज में जाऊंगा भी, हमारे पार्षद जो है उनसे भी मैं डिटेल लूंगा कि आपके जो एरिया है उसमें कौन कौन सी समस्या है, सभी से मैं डिटेल लूंगा। अगर किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है तुरंत उसका निदान किया जाएगा, अगर किसी क्षेत्र में सड़क की समस्या है तुरंत उसका निदान किया जाएगा। आजकल कचरे का बहुत ज्यादा चल रहा है कि शहर का कचरा इकट्ठा करके एक कचरे का पहाड़ बना दिया गया, तो उसके लिए भी मैंने एक सोचा है कि आज की डेट में कई सारे ऐसे स्वरोजगार वाले स्टार्टअप चल रहे हैं जिन्होंने कचरे को रिप्रोडक्ट कर लिया है,
उस कचरे को इंटीग्रेट करके एक हिस्सा उसका कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया और जो हिस्सा उसका जैसे प्लास्टिक है जो चेंज नहीं हो सकता उसको उन्होंने रिप्रोडक्ट कर लिया। अभी भी मैं आपको बताऊं कि हमारे शहर में कचरे के समाधान के लिए यहाँ पर कचरे का बहुत अच्छा सॉल्यूशन किया है जो अभी वर्तमान महापौर है उन्होंने, तो यहाँ पर खत्ता घर बना हुआ है चनौरा पे, तो जहाँ पर वो कचरे को रिसाइकल कर रहे हैं और उसमें उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके और उसको बाहर दे दिया जाता है जी। तो वो ऑलरेडी कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती रहती हैं, जैसे जो पिछले वाले थे उन्होंने कुछ किया, अब जो नया आएगा वो कुछ ना कुछ नया करेगा, वो चीजें चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक ही टेक्नोलॉजी है, हर 2-4 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आती है और टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो आज की जो टेक्नोलॉजी उन्होंने की है वो हो सकता है अच्छी हो और हो सकता है कि 6 महीने बाद और अच्छी। आपने रोजगार की बात की तो रोजगार पे आते हैं, तो रोजगार कैसे आप पैदा करेंगे? आपने इंडस्ट्रीज की बात की तो फिरोजाबाद में क्या किस तरह की आप इंडस्ट्रीज लाने की बात कर रहे हैं? सबसे पहला काम जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे घरों में किचन में वॉशरूम में और पूजा घर में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो एक डेली बेसिस प्रोडक्ट है, उन सब की फैक्ट्रीज वैसे तो यहाँ पुरानी भी चल रही है लेकिन उनका अगर एक मार्केटिंग क्राइटेरिया बना दिया जाए, जैसे आज हम नमकीन सबसे ज्यादा खाते हैं तो वो नागपुर की कंपनी है, उसका हम यूज करते हैं क्योंकि उसने मार्केटिंग ऐसी की कि वो पूरे देश में फेमस हो गई। उसी तरीके से जो कंपनियां चल रही हैं या जिस सेक्टर में हमारे फिरोजाबाद में कंपनियां नहीं है उन सेक्टर की कंपनियां खोल के हम उनकी प्रॉपर मार्केटिंग करवाएंगे पूरे देश में। जैसे बीकानेर की कंपनी है उसकी एक भुजिया सबसे ज्यादा फेमस है, नागपुर की कंपनी है उसकी फेमस है, या अलग अलग जगह की हम बात करें तो हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस है। हम यहाँ के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके और पूरे देश में मार्केट करेंगे और उसकी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, उससे रोजगार जनरेट हो, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा तो अपने शहर की GDP भी ग्रोथ करेगी। और किस तरीके से आप पब्लिक के लिए क्या मतलब, ये तो रही युवाओं की बात कर ली आपने, रोजगार उनको दे देंगे आप और टेक्नोलॉजी की बात करी जिससे नए नए लोगों को जोड़ेंगे आप जी, कंप्लेन भी रजिस्टर करेंगे। बहुत सारे हमारे यहाँ शहर में ही ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को चलाना नहीं जानते हैं, ओल्ड एज है या इलिटरेट हैं, तो उन लोगों को कैसे आप साथ में लेके चल पाएंगे? सर इसीलिए मैंने जो कारीगर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया वो अगर देखा जाए जो बंदा पढ़ लेता है तो व्हाइट कॉलर जॉब में चला जाता है, जो बंदा नहीं अगर ढंग से पढ़ पाता है तो फिर वो अपने हाथ काले करने वाले जॉब में चले जाता है। इसीलिए वो कारीगर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि अगर इलिटरेट लोग हैं तो एटलीस्ट वो काम सीखें, काम सीखने के बाद रोजगार प्राप्त करें। महिलाएं हैं, वर्तमान महापौर हैं वो भी एक महिलाएं, तो उन्होंने महिलाओं की जो समस्या थी उसको अच्छे से समझा और उनके बीच में जाकर के उनकी बात को तरीके से उन्होंने सॉल्व भी करने की कोशिश करी जी। आपको क्या लगता है कि एक पुरुष होते हुए, पुरुषों की तो आप भावनाएं समझेंगे, महिलाओं की भावनाएं कितने हद तक समझेंगे? सर देखिए एक कंपनी है जो पापड़ के सेक्टर में है, वो केवल और केवल घरेलू महिलाएं अपने घर से चला रही है जी। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि जो हम पूजा के घर में जो यूज करते हैं सामान, वो धूप बत्ती बनाना या धूप बनाना ये सब घर से हो सकता है, तो अगर इस इंडस्ट्री को थोड़ा 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 करके डिवाइड कर दिया जाए, या हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें हर घर में रोजगार देने के लिए थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए तो वहां से महिलाओं को भी काम के साथ जोड़ा जा सकता है। बल्कि और बाकी महिला की जो सुरक्षा का सवाल है उसमें हमारी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी, कहीं से भी कोई कंप्लेन आती है 24 घंटे में चाहे रात हो चाहे दिन हो मैं अवेलेबल रहूंगा वहां पे और मैं प्रशासन के साथ अवेलेबल रहूंगा। अच्छा चलिए ये तो रही एक अलग बात जी। अब हम बात करते हैं कि ये बताइए कि अभी फिरोजाबाद जैसा कि आपने भी देखा कैसा है, कितनी एज होगी आपकी? 36। तो 36 में से कितने साल आप फिरोजाबाद में रहे हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन यहीं से किया था, मैं यहाँ से 2004 में बाहर गया था, उसके बाद 2020 में यहाँ पे आ गया था, तो अब 2004 से पहले मैं यहीं पे रहा हूँ और 2020 के बाद यहाँ रहा हूँ। मैंने बीच में करीब 16 साल आप नहीं रहे जी। ठीक है, तो
यहाँ की परिवेश को अभी आपने 20 के बाद से तो देखा ही है वापस, भाई जब चार में छोड़ के गए होंगे तब हाँ। फिरोजाबाद की तस्वीर अलग थी, तब तस्वीर अलग थी और अब 2020 के बाद में तस्वीर अलग है। क्या अंतर महसूस किया आपने इन इतने दिनों में जो फिरोजाबाद के अंदर बदलाव आए, और अब और क्या बदलाव आने चाहिए? उस समय की अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो वो थोड़ी सी कम थी वहाँ। अगर हम तब की बात करें तो हर घर में, अगर हम देखें तो 10 घर में 20 घर में एक घर ऐसा निकल आता था कि उनमें एक भी बंदा पढ़ा हुआ नहीं है। आज की डेट में शायद कोई घर मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता अपने आस पड़ोस में या जहाँ भी मैं घूम रहा हूँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिटरेसी मतलब एजुकेशन से कनेक्ट सारे लोग हो रहे हैं। उससे थोड़ा सा एजुकेशन अगर होती है तो स्तर लाइफ का बढ़ता है, किसी ना किसी को घर में अगर रोजगार मिल जाता है तो पूरे घर का स्तर बढ़ जाता है, तो वो चेंज तो आया ही है। और अगर उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण क्राइम बहुत ज़्यादा था, मतलब उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरे नहीं हुआ करते थे तो इस वजह से क्राइम ज़्यादा था। आज लोगों ने अपने अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा लिया है, तो चीज़ें तो बहुत सारी चेंज हुई हैं। उस टाइम पे सारी सड़कें नहीं बनी हुई थी, आज मैक्सिमम सड़कें बनी हुई हैं। फिरोजाबाद थोड़ा सा छोटा था, राजा का ताल और फिरोजाबाद में अंतर समझ में आता था, आज राजा का ताल और फिरोजाबाद का अंतर समझ में नहीं आता, लगता है ये फिरोजाबाद ही है। काफी चेंजेस हुए हैं। अच्छा, अभी क्या कमियां आपको दिखती हैं फिरोजाबाद में जिन्हें आप दूर करने की कोशिश करेंगे? सर जैसे सड़कें की बात करी हमने, तो सड़कें मोस्टली जी हर जगह आप जहां जाएंगे तो सड़कें बनी हुई दिख रही हैं, सारी सड़कें चमक भी रही हैं, नालियां साफ हैं, साफ सफाई है, कूड़ा घर से डेली कचरे वाले जो हैं सफाई वाले वो लेके जाते हैं, दो दो तीन तीन गाड़ियां डेली घर पे और गली में चक्कर लगाती हैं कूड़ा उठाने के लिए। तो और क्या आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं जिससे कि शहर की और तस्वीर बदल सके? सर जैसे अभी हम देखते हैं ना, तो मेनली मेन रोड की अगर हम बात करें, जो मेन रोड से कनेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कोई भी यहाँ आता है, जैसे मुख्यमंत्री जी आए या कोई भी मंत्री जी आए, तो उस चीज़ को शो कराने के लिए मेन रोड से जुड़ी हुई सड़कें तो बहुत डेवलप है। लेकिन अगर हम मेन रोड से थोड़ा सा आगे, हम इसी एरिया में जहाँ बैठे हैं, अगर हम इस एरिया में इधर जाएं तो इधर डेवलपमेंट नहीं है, और ऐसा कई जगह पे है। तो इन चीज़ों को डेवलप होना चाहिए और समय से डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत पॉपुलेशन है, घनी आबादी है, लेकिन वहाँ पे उतनी डेवलपमेंट अभी है नहीं। जैसे अभी इधर पानी के कनेक्शन भी नहीं है, पानी के कनेक्शन नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई हैं, अब सड़कें नहीं बनी है तो नालियाँ भी नहीं बनी है, तो ये सारी समस्याएं हैं जिनको मैं दूर करूँगा। चलिए, तो ये सारी आज जो मुलाकात हुई हमारी रश्मिकांत जी से, इन्होंने अपने बारे में भी बताया, हमने इनके बारे में भी जाना, और शहर को वो किस नज़रिए से देखते हैं, हर इंसान का नज़रिया देखने का हर इंसान का अलग अलग होता है। आज हमने रश्मिकांत जी से जाना कि उनके नज़रिए से फिरोजाबाद कैसा दिखाई देता है, और उनसे हमने ये भी जाना कि फिरोजाबाद को अगर वो महापौर बनते हैं तो वो किस तरीके से बदलाव फिरोजाबाद के अंदर लाएंगे। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा, ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और रश्मिकांत जी, आपका अगर कोई मैसेज है तो वो भी आप दे सकते हैं पब्लिक को। मैं एजुकेशन के लिए थोड़ा सा पब्लिक को अपडेट करना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से बोला गया है कि हर स्कूल में 25% जो गरीब बच्चे हैं उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, उनका एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे या अपने देश की या उत्तर प्रदेश की, कोई भी शासन प्रशासन इसको लागू नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो स्कूल चाहे प्राइवेट हो या कोई भी स्कूल हो, सरकार के हिसाब से उन 25% गरीब बच्चों को हर स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा। और साथ में मैं आपको एक और वादा करता हूँ, जैसे हमारी दिल्ली की जो सरकार है, पंजाब की सरकार है, वहाँ बिजली और पानी मुफ्त किया गया क्योंकि वो सरकार के हाथ में है। मेरे हाथ में जो आता है, नगर निगम के हाथ में, वो आता है हाउस टैक्स और वाटर टैक्स। हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को कम्प्लीटली मुफ्त कर देंगे, फ्री कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रही आज की चर्चा रश्मिकांत राठौर जी के साथ। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ, और देखेंगे अगला महापौर कौन होगा। तो उसकी तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, पब्लिक भी पूरी तरह से तैयार है, और महापौर के जो आवेदन किए जा रहे हैं वो एक बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि किसको टिकट मिलेगी और कौन ये लड़ाई जीत पाएगा। फिलहाल सब कुछ पब्लिक के हाथ में है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।